उसके बाद में दिल्ली आने के बाद मैं मेहनत करूंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। गाइज मुझे ना इंस्टाग्राम पे से भी रिशु ने ब्लॉक कर दिया है, मुझे लग रहा था कि भाई इंस्टाग्राम पर वो मेरी स्टोरी देख रही है। तो ये हमें 12:30 बजे के टाइम पहुंचा देगी, कल रात पहुंचाएगी 12:30 बजे, नहीं नहीं दोपहर में ही 12:30 बजे तक पहुंचा देगी। और क्या क्या करने वाले हैं, 10 दिन रुकेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे, उसके बाद जाऊंगा लद्दाख लेकर जस्टिन भाई को, ठीक है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल, दिस इज मी जस्टिन रोमियो, स्वागत है आप सबका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, जो कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए। तो भाई लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा था, कल रात में शाम तक उसके लिए बैठा था, मैंने उतनी कॉलें करी थी, मैंने सोचा था शायद वो दोबारा से आएगी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं आई थी। तो भाई सब मुझे समझा रहे थे, मेरे सारे दोस्त और भी जितने दोस्त हैं सबको मैं बता रहा था भाई मेरे साथ में ये हो रहा, तो भाई सब समझा रहे थे, और भाई जिया भाई भी समझा रहे थे कि भाई इतनी टेंशन मत लो, छोड़ दो उसे अपने हाल पे, खुद करेगी मत करो। अब जिया भाई के साथ में भी कुछ ऐसे ही सीन हुआ, बंदा डिप्रेशन में था, मैंने उसको मोटिवेट करा कि चलो होता रहता है, बट जब वो सेम चीज़ मेरे साथ हुई ना आज, तो मैंने हाथ पकड़ा भाई चलो चल रहे हैं यहाँ से, नहीं रहना यार जिसके लिए कर, यार वही यार वही चीज़ ना गाइज। बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इनके साथ में ही वही सीन हुआ जो मेरे साथ में हो रहा है इतने दिनों से, लेकिन वो बोल रही है एक हफ्ता भाई मैं क्या करूं घर पे, आप जिया भाई थे, जिया भाई भी अपने काम में बिजी थे। उसके बाद उसको 2 बजे से लेके 9:30 बजे तक रिमॉर्निंग करवाई, और जैसे वहां से निकले उसके बाद पता लगा भाई दिल से बुरा यार। इनके साथ में भी कुछ बहुत गंदा सीन हुआ जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो अभी मैं जिया भाई के घर पे हूं, तो इन्होंने मुझे समझाया कि भाई देखो ये सारी चीजें, अब उसने वो एक हफ्ते का टाइम मतलब कल से अभी तक उसकी कॉल नहीं आई। टारगेट क्या होता है कि मतलब सामने वाली बोलती है कि तुम ना मेरी वजह से हो, ठीक है, जो मतलब कि इसकी वजह से है, हम अपने दम पे कुछ नहीं करते, जो मैं वीडियो डालता हूँ एडिट करता हूँ पूरी रात रात जो भी करता हूँ, तो भाई डायरेक्ट पता है जवाब क्या होता है, टारगेट किया जाता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, ये हो ये, ये चीज बुरी लगी है। तो मैंने और भाई ने फैसला करा कि ठीक है चलते हैं यहाँ से, बिकॉज यहाँ रहेंगे ना तो रोज का ड्रामे होंगे, उसकी याद आएगी जो भी होगा। मैं कॉल करी थी आज गाइस, मैंने सुबह कॉल करने की कोशिश करी थी क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, भाई के नंबर से कॉल करी, क्या हुआ ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक मेरे नंबर से कॉल करा, एक बार रिंग गई फोन नहीं उठाया, दूसरी बार रिंग गई, मैंने बोला हेलो हाँ सलाम करा, भाई को फोन दिया, मैंने जैसे फोन लिया कट, मेरा नंबर नहीं ब्लॉक, अभी नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं ना यहाँ से, उसके बाद जो होगा ना सामने वाली रोगी हमें मत बोलना भाई प्लीज। मेरे साथ में क्या हुआ, कल मैं शाम तक उसके लिए बैठा था भाई, मतलब रोना आता है यार ये सारी चीजें सोच के, यार उसके लिए ही जो करो हर चीज भाई, वीडियोस करता हूँ भाई, ये मेरा करियर है काम है, अब कोई इंसान होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, अब भाई बॉयफ्रेंड किसी जॉब करता है या कोई भी काम करता है, तो भाई ये थोड़ा ना होगा कि भाई उसके काम के बीच में, अब भाई जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये मेरा एक काम है, ये मेरा शौक था, लेकिन अब मेरा ये काम है, मैं इसे अपने काम की तरह लेता हूँ कि टाइमिंग से मुझे वीडियो डालनी है, अच्छा कंटेंट लेकर आना है, मुझे सोचना पड़ता है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है, अगर कुछ अच्छी चीज़ सोचो और करो उससे उसे बुरा लग जाएगा भाई क्या करें। तो अभी भाई हमने डिसाइड करा है कि हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, जाकर सिंगल मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो भाई उसकी याद आएगी ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं बैग वैग लेकर दिया भाई के घर पर आ चुका हूँ, तो हमने ट्रेन की टिकट बुक करी है, कहाँ जा रहे हैं क्या आप लोग वह पता चल जाएगा। तो अभी जिया भाई के घर पे हूँ और 12 बज रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं क्या वो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो जिया भाई ने अपनी पैकिंग कर ली है, मैंने भी अपनी पैकिंग कर ली है, तो भाई जाकर मेहनत करेंगे और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल करो ब्लॉक हो जा रहे हैं भाई, क्या इज्जत है यार। देखो लड़की से तो उम्मीद रखना बेकार है, ठीक है भाई 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 के काम आएगा, ठीक है खाना खाते हैं दोनों भाई, ठीक है अपना चाय बना के लाता है तुम्हारा भाई, उसमें चाय पिलाता है, बस भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग भाई सपोर्ट करना बस यार, मैं ये नहीं बोलूंगा लाइक करो सब्सक्राइब करो या कुछ भी, बस जो चीज है ना कमेंट में बताना कौन गलत है, अगर हम आप लोग को गलत लग रहा है तो आप लोग हमें बता दो कि आपकी ये गलती है, बिल्कुल ना बिल्कुल आप लोग बता दो जो भी आप लोगों को लगे। तो भाई सुबह की हमारी ट्रेन है, हम कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को सुबह बता दूंगा मैं, ठीक है अभी मैं सो जाता हूँ, और भाई कॉल करने का मन कर रहा है लेकिन अब नहीं करूंगा कॉल, अगर उसे लगेगा मैं स्टोरी डालूंगा कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ सारी चीजें, शायद वो स्टोरी तो देखेगी, और अगर उसे लगेगा वो खुद करेगी कॉल, और बाकी जो भी होगा आप लोगों को सुबह देखने को मिल जाएगा। तो भाई ऐसे ही यार बस साथ देना मेरा, और अगर मैं आपको गलत लग रहा हूँ ना तो आप मुझे कमेंट में बताना मेरी गलती, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा, तो आपके ऊपर ये आप बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। तो बाकी जो भी है आप लोगों को सुबह बताता हूँ, तो भाई जो भी अभी सो जाता हूँ, और बाकी भाई सपोर्ट करो यार, अब तुम्हारा भाई मेहनत करेगा आप लोगों के लिए, जो भी है आप लोग बताओ मैं वो चीज़ करूँगा, बस आपको सपोर्ट करना है भाई। अब सुबह मिलते हैं, देखते हैं जो भी आप लोगों को सुबह दिखाते हैं।
तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं अपने बैग वैग लेकर। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं और 7 बजे की हमारी ट्रेन है। तो भाई ये बंदा मुझे रात को सोने नहीं दे रहा था, मुझे वीडियो दिखा रहा था, हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार इतने दुख है ना, हंसने का मन नहीं कर रहा था। अभी भाई सो के उठ के नाश्ता कर कर निकल चुके हैं, तो यहाँ से अभी कैब करते हैं या जो भी करेंगे ऑटो करेंगे। कैब निकलने के टाइम में बस पे चल रहा है ऑटो करके। भाई जो भी है चलते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ चलकर आप लोगों से मिलते हैं। 7 बजे की ट्रेन है भाई, मिस ना हो जाए, ठीक है। तो भाई ये बता देता हूँ, हम जा रहे हैं जिया भाई की नानी के यहाँ, वहाँ पर 1-2 दिन घूमेंगे हम, डेली ब्लॉग करेंगे, देन इसके बाद में दिल्ली आकर मेहनत करने वाले। आप लोग कमेंट करोगे जिस टाइप की वीडियो की, उस टाइप की वीडियो पे मेहनत करने वाले हैं। तो भाई चलते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ चलकर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो भाई अभी तुम्हारा भाई रेलवे स्टेशन पहुँच गया, ठीक है, और टाइम चेक कर लो। और भाई ये है हमारी ट्रेन, तो भाई टाइम से पहुँच गया, टाइम से पहुँच गया, अभी भी हमारे पास में 14 मिनट रहेंगे, है ना। तो अभी हम ढूंढते हैं भाई कौन सा बॉक्स है हमारा, कहाँ है। तो भाई बैठते हैं, बैठने के बाद में चलते हैं, चलने के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ चलकर मिलते हैं। तो भाई बस अब वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ जो भी करूँगा भाई डेली ब्लॉग में दिखाऊँगा, देन उसके बाद में दिल्ली आने के बाद में मेहनत करूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो भाई बस सपोर्ट दिखाना अपना। तो भाई मैंने कोई भी कॉल या मैसेज नहीं करा उसे, ठीक है। तो भाई उसके बारे में अभी बात भी नहीं करनी, क्योंकि कहीं जा रहे हैं, अब मन भी नहीं कर रहा उसके बारे में बात करने का। तो भाई चलते हैं, आप लोगों को वहीं चलकर डायरेक्ट मिलते हैं, तो बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हो भाई हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल टाइम से पहुँच गए। तो ये हमें 12:30 बजे के टाइम पहुँचा देगी, कल रात पहुँचाएगी 12:30 बजे, नहीं नहीं दोपहर में ही 12:30 बजे तक पहुँचा देगी। और अभी बज रहे हैं 7, तो भाई बस चलने वाली है ट्रेन, तो आप लोगों को वहीं चलकर मिलते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकेगी, ठीक है। और भाई जो भी करेंगे आप लोगों को दिखा दें, तो वहाँ चलकर आप लोगों से मिलते हैं, तो बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस वहाँ से ट्रेन चलने के बाद में अभी आधे रास्ते पर रुकी है, तो भाई भूख लग रही थी, तो भाई हमने कुछ खाने के लिए लिया है, हमने लिया है ऑमलेट और पकौड़ी। तो भाई पकौड़ी का जो टेस्ट है ना, कसम से भाई एकदम एंटी के। हाँ भाई कैसा लगा ये? तो भाई इंस्टाग्राम से ही ब्लॉग कर दिया गाइस, मुझे ना इंस्टाग्राम पे से भी रीशु ने ब्लॉग कर दिया है। मुझे लग रहा था कि भाई इंस्टाग्राम पर वो मेरी स्टोरी देख रही है, तो मैं अपनी स्टोरी व्यूज चेक कर रहा था, भाई इतने स्टोरी व्यूज आते हैं, आप लोगों का प्यार है, तो भाई उसमें वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने उसका अकाउंट सर्च करा, मैंने सोचा शायद उसने भी कुछ ऐसी चीज़ लगा रखी होगी सैड, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ पर वो शो ही नहीं हो रही है सर्च बार में, और भाई मैं दूसरे किसी के अकाउंट से देख रहा हूँ तो भाई वो शो हो रही है। तो उसने मुझे इंस्टाग्राम से ही ब्लॉक कर दिया, बट कोई नहीं, अभी मैंने स्टोरी डाली है, शायद वो दूसरे अकाउंट से, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कर रही होगी मुझे, क्योंकि मुझे लगता है यार वो किसी के भड़कावे में ही आकर ये सारी चीज़ें कर रही है। वैसे वो कर नहीं सकती है, क्योंकि यार वो भी मुझसे प्यार करती है। भाई देखते हैं, अभी स्टोरी डाली है, शायद कोई रिएक्ट आए। तो भाई अभी मैंने कॉल नहीं करी, बस इंस्टाग्राम पर मैंने सोचा था मैसेज करके देखूँ, लेकिन वहाँ पर ब्लॉक हूँ मैं। तो देखते हैं भाई, अभी मन कर रहा है कॉल करने का, लेकिन नहीं करेगा तुम्हारा भाई। तो अभी खा लेते हैं, खाने के बाद में डायरेक्ट आप लोगों को जहाँ पर हमें जाना है वहीं चलकर मिलते हैं, तो बने रहो व्लॉग में। तो फाइनली गाइस देख सकते हो भाई अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें आना था, अभी ट्रेन से उतरूँ। और भाई गर्मी ना लिटरली यार इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी कसम से भाई। अंदर एसी वाला जो था हमें मिल गया था भाई, अर्जेंट में टिकट बुक करवाए थे, इसकी वजह से भाई जो था मिल गया हमें। 1400 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे भाई साहब हमारे टिकट बुक करवाने के। तो भाई अभी जा रहे हैं जिया भाई की नानी के घर पे, तो जिया भाई के भाई आ रहे हैं लेने के लिए। तो भाई आधे घंटे में अभी मैंने रीशु का अकाउंट चेक करा अपने दूसरे किसी अकाउंट से, उस पर उसने ब्लॉक नहीं कर रखा था, तो भाई वो भी सैड स्टोरियाँ डाल रही है, पता नहीं यार चाह क्या रही है। भाई मन कर रहा है कॉल करने का, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि भाई आप लोग भी कमेंट कर रहे हो। अभी मैंने वीडियो अपलोड करी थी रास्ते में, अब नहीं गिरोगे, अभी रास्ते में मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आप लोग भी कमेंट कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई छोड़ दो उसे अपने हाल पे, खुद करेगी। तो भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि वो खुद करेगी। तो अभी जो भी है आप लोगों को बताता रहूँगा मैं सारी चीज़ें। तो अभी जिया भाई की नानी के घर पर चलते हैं, देन देखते हैं जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। और भाई यहाँ पर कितने दिन रुकने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं? 10 दिन रुकेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे, उसके बाद जाऊंगा लद्दाख लेकर जस्टिन भाई को, ठीक है, कश्मीर जाऊंगा, फिर शिमला जाऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ना बुरा लग रहा है यार, अच्छा सब कुछ सही हो जाए। भैया को यार मैं जाओ, मैंने बोला अब नहीं यार, मुझे हमने आए यहाँ पे छोड़ो, जो होगी हटाओ, नई बंदी पटवा के दूंगा तुम्हें, और बताओ कभी कट कर दो। अबे नहीं भाई यार, मन नहीं लग रहा ना गाइस, आप लोग समझ सकते हो भाई, देखो इतनी सारी लड़कियाँ हैं फैंस, भाई लौंडे इतना अच्छा जेन्युइन कमाता है, लाइन लगा देगा मेरा भाई, ठीक है ना। अबे नहीं यार, हाँ कमेंट तो कर गाइस यार, देखो बस यार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी यहाँ से चलते हैं जिया भाई की नानी के घर पे, देन देखते हैं। गर्मी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रेन में चार्जर रह गया, चार्जर रह गया
अबे यार गाइस अभी आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस देख सकते हो भाई वहाँ पर जिया भाई का चार्जर छूट गया था, उसके बाद में भाई चार्जर मिल गया था क्योंकि वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बहुत देर के लिए वहाँ पर रुकती है, तो चार्जर मिल गया था। देन उसके बाद मैं घर आया था, घर आने के बाद में फ्रेश व्रेश हुए, खाया पिया, उसके बाद में सो गए थे। तो भाई अभी सो कर उठे हैं, तो अभी बज रहे हैं 5, तो भाई 5 बज रहे हैं। तो भाई अभी मैंने इंस्टाग्राम खोला भाई, आप लोगों के इतने सारे मैसेज, ये सारी चीज़ें देख कर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग लव यू गाइस, लव यू ये खाओ लो। तो ये है सज्जू भाई जो कि हमें लेने आए थे रेलवे स्टेशन पे। तो गाइस अभी रीशु के बारे में कोई भी बात नहीं करते, ठीक है। और भाई अभी कल जाएंगे, कल कहाँ जाएंगे जिया भाई? हम ये भाई साहब लेके जाएंगे हमें कल। कहाँ जाना है भाई बताओ? अजमेर, कलियर, 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 कलियर चलना है। कितने बजे? सुबह 6। ट्रेन से बस से गाय से चलेंगे? बस से बहुत दूर है, ट्रेन से जाना पड़ेगा। चलो भाई सुबह जाना है यहाँ से हमें कलियर, ठीक है। तो भाई अभी थोड़ा घूम फिर लेते हैं। और भाई यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे लोनी वाले घर में प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर भी सेम ऐसी सीन है, लाइट आती जाती रहती है। तो भाई फ़ोन चार्ज नहीं हो पाएगा। तो भाई जो भी अगर रिशु का कोई कॉल वॉल आता है या कुछ भी आता है तो आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बता दूंगा। तो अभी तुम्हारा भाई जा रहा है, हम जा रहे हैं फोटोशूट करने। नहीं भाई मैंने कैमरा खराब हो रहा, सर्विस करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग हम ये एंड करते हैं। तो भाई ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, और भाई ब्लॉग डालेगा तुम्हारा भाई यहाँ पर जितने दिन भी है, जितने दिन भी मुझे जिया भाई घुमाएंगे इधर उधर, मैं आप लोगों को ब्लॉग डालूंगा, एक एक चीज बताता रहूंगा। तो भाई सपोर्ट दिखाना अपना। तो गाइस मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।